हेलो गाइस, मेरा नाम है सनी। आप देख रहे हैं पासी चैम्प और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑक्सीजन मेकिंग मशीन के बारे में। और ये आज का जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है जो ऑक्सीजन सिलेंडर को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप खुद थोड़ा सा सोच के देखें तो ऑक्सीजन सिलेंडर को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इतने भारी होते हैं और अगर आप रेगुलर बेसिस पर ऑक्सीजन थेरेपी को यूज़ कर रहे हैं या आपका कोई जो रिलेटिव है या कोई आपका कोई जानकार है वो ऑक्सीजन थेरेपी यूज़ कर रहा है तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी काफ़ी टाइम चलते नहीं हैं। तो जो ऑक्सीजन मेकिंग मशीन का या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का जो ऑप्शन है यूज़ करने का वो काफ़ी अच्छा भी रहेगा आप लोगों के लिए। और आपके लिए जो ये वीडियो है ये भी बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उस जो ऑक्सीजन मेकिंग मशीन है उसके बारे में अच्छे से बताया है, उसके यूजेस के बारे में, उसको सेटअप करने के बारे में और जो उसकी सफाई करनी होती है फ़िल्टर की, क्योंकि जो फ़िल्टर है वहीं से हवा ऑक्सीजन मेकिंग मशीन के अंदर जाती है और वहां से पेशेंट इनहेल करता है, तो फ़िल्टर को भी अच्छे से साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाले मेरे वीडियो के अपडेट्स को मिस ना करें। तो आपके सामने है फिलिप्स कंपनी का ऑक्सीजन मेकिंग मशीन या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ये है फ्लो मीटर। अभी गाइस ये बंद पड़ा है तो चलिए अभी इसको शुरू कर लेते हैं और मैं इसके प्लग को लगा देता हूँ। ओह शिट, तो ये हमने कर लिया इसे ऑन, इसे बटन को प्रेस करना है गाइस। ये देखिए ये ऑन हो चुका है। तो ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन है गाइस, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है 5 लीटर का और एक 10 लीटर का। और मैं इसके फ्लो को देखिए बढ़ा रहा हूँ, एक दो, ये अब 2 लीटर पे हो गया है। नॉर्मली 2 लीटर पर ही फ्लो चलता है। ये है इसका चैम्बर जहाँ पर वाटर वगैरह डालते हैं और ये है नेजल प्रोंग। ये भी दो तरह के होते हैं, एक ऑक्सीजन मास्क और ये नेजल प्रोंग है गाइस, ये पेशेंट के नाक पर लगता है। ओके, तो एक बार मैं ये हटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से ऑक्सीजन मेकिंग मशीन को समझ लें कि इसको सेटअप कैसे करना है। तो इसे एक बार बंद कर देते हैं गाइस, बंद कर दिया। और ये देखिए ये है इसका फ़िल्टर पीछे लगा हुआ है और इसको प्रॉपरली साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बार मैंने इसे खोला था और आप इसके ऊपर डस्ट भी देख सकते हैं, देखिए मैंने इसे साफ़ नहीं किया, खोला खोला था। और ये देखिए इसकी हालत क्या है गाइस, यहीं से ही सारी हवा जो है पेशेंट तक जाती है, तो इसको रेगुलर प्रॉपरली साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो 2 मिनट लगेंगे मुझे साफ़ करने में, देखिए ये हो गया। तो गाइस मैंने इसे ये कर दिया है अच्छे से साफ़ और आप भी इसे अच्छे से साफ कर लें। उसका फ्लो मीटर अभी तक चल रहा है, मैंने इसे बंद नहीं किया, ये देखिए चल रहा है। तो फ्लो मीटर को भी हम लोग बंद कर लेते हैं, ये देखिए। तो नॉर्मली गाइस जो ऑक्सीजन है वो 2 लीटर 1 लीटर पर ही होती है और जिनको सांस की दिक्कत होती है उन्हीं पेशेंट को ऑफकोर्स ये ऑक्सीजन मेकिंग मशीन लगती है। और ये देखिए डस्ट कितनी है गाइस। और फ़िल्टर को साफ़ करना प्रॉपरली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहीं से मैं आपको बारी बारी बता रहा हूँ कि यहीं से जो है हवा जाती है और पेशेंट ब्रीथ करता है। और जो इसके पानी का है सिस्टम, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रखा है, आप इसको 1/4 हिस्सा इसका भर कर रखें। और आप इसमें RO का पानी भी डाल सकते हैं या डिजिटल वाटर DW भी डाल सकते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप डाल सकते हैं तो डिजिटल वाटर ही डालें, वैसे मैंने अभी इसमें RO का पानी ही डाला हुआ है गाइस। और इसका काम ये है कि ये नम हवा जो मॉइस्चर एयर होती है उसको पेशेंट तक जाता है, जो उसकी मैक्यूस मेम्ब्रेन है नेजल की वो ड्राई नहीं होती और जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी बढ़ता है। तो बस इतनी सी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें उन सभी लोगों के साथ जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत हो। तो मैं आपसे फटाफट अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट। ओके, टाटा बाय बाय।